विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। लखनऊ के लुलू मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी में भव्य स्वागत किया गया। हनुमान लला का दर्शन पूजन किया और इस दौरान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भगवा वस्त्र पहनाकर चांदी की गदा भेंट की और गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वहीं अक्षय शास्त्री युवाओं से अपील किए हैं कि देश और धर्म के लिए युवा आगे आएँ। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि एक हिंदुस्तान का भारत माता का पुत्र है अजय शास्त्री, जिस प्रकार से अपनी टीम के साथ लुलू मॉल पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई, फिर भी उसने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसकी गिरफ्तारी कर 7 दिन जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से फिर मांग उठाई कि लुलू मॉल में जिसने नमाज पढ़ी थी उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई, जबकि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। फिर भी कोई बात नहीं, ये देश संविधान से चलता है। वहीं राजू दास ने कहा, अक्षय शास्त्री को हमने आज भगवा वस्त्र पहना के चांदी की गड्ढा भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि लुलू मॉल में नमाज पढ़े जाने के विरोध में अक्षय शास्त्री के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कार्रवाई की गई थी और उन्हें 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। और 7 दिन की न्यायिक हिरासत से निकलने के बाद अक्षय शास्त्री सीधे रामनगरी अयोध्या पहुँचे। शास्त्री, जब लुलू मॉल का उद्घाटन परम पूज्य योगी जी ने किया था, उसके कुछ दिन बाद ही कुछ अराजक समुदाय ने वहाँ जाकर अपनी एक प्रयोग सिद्ध किया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद उसको समाज ने कहा कि ये गलती है। गलती के बाद उसका एक पोस्टर लगाया गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना जायज़ नहीं है, मना किया गया। लेकिन उसके बाद भी उसने फिर से उसको दोहराया और वह गलती नहीं कही जाएगी, बार बार गलतियाँ नहीं होती। और इसी को देखते हुए हमने भी एक प्रण किया कि वहाँ जाकर उस किए गए अराजक कार्य और अपवित्रता फैलाने के लिए वहाँ पर जाके राम धुन और हनुमान चालीसा पढ़ के उस माल को शुद्ध करेंगे। तब हमें गुरु जी से प्रेरणा मिली और वहाँ पर हम लोग जाकर हनुमान चालीसा किए और आज मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या आया हूँ। पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला है और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र में व्याप्त सभी युवाओं को अब राष्ट्र और धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब वह समय नहीं रहा कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम लोग राष्ट्र और धर्म को कहते हैं कि सरकार कर रहा है। साथियों, जब आँच आए वसूलों पर तो टकराना बहुत ज़रूरी है और जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है। जो नमाजियों ने नमाज पढ़ा था लुलू मॉल लखनऊ में, उसके विरोध में वहाँ पर जय श्री राम के नारे से उस माल को शुद्ध करने और हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए हम लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें 7-8 दिन की जेल हुई थी और आज हम लोग स्वतंत्र हैं। क्या नाम है? मैं अक्षय शास्त्री, रायबरेली का रहने वाला हूँ और अभी विद्यार्थी हूँ। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक चर्चित मामला था, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लुलू मॉल। उस लुलू मॉल में असामाजिक तत्व के लोग जो नारा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक वर्ग समुदाय विशेष के लोग, ऐसे लोग, असामाजिक तत्व के लोग वहां जाकर नमाज पढ़ना, भाई मंदिर होता है पूजा पाठ के लिए, मस्जिद होता है नमाज के लिए। अगर सार्वजनिक जगह पर अगर ऐसे कार्य होते अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कार्य कृत किया। हम लोगों ने अपील किया कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य अच्छी बात नहीं है, फिर भी उन्होंने दोबारा किया, तो हम लोगों ने एक आह्वान की अपील किया कि हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। तो मैं एक हिंदुस्तान का, भारत माता का पुत्र है अक्षय शास्त्री, उसने ठाना और वहां पहुंचकर पूरे टीम के साथ पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो व्यक्ति पहुंचा, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी गिरफ्तारी हुई, 7 दिन तक बंदा जेल में था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन अमलों से कि प्रशासन के लोग, जिसने ये नमाज पढ़ी उसकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं हुई, हनुमान चालीसा वाली गिरफ्तारी हुई, चलिए कोई बात नहीं है, देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीका प्रक्रिया में जो कार्य करेगा वही अच्छी बात है, जो असंवैधानिक तरीके से काम करेगा उसके साथ संविधान की डंडा पड़ना चाहिए। तो संविधान की डंडा नवाजियों के ऊपर भी पड़ना चाहिए था, लेकिन नवाजियों के ऊपर डंडा नहीं पड़ी, देर में हम लोग के कहने के बाद पड़ी। उसके बाद
मीडिया बंधु सब जगह उनसे चर्चा करना, उनको आगे करना, बातचीत करना, लेकिन जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी उससे आपने एक भी बार कमेंट नहीं लिया, चर्चा नहीं किया, एक बार पूछा नहीं कि आप क्यों वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए। इसके नाते उनको साधुवाद। अच्छे शास्त्री का आज हमने हनुमान जी महाराज का गदा भेंट करके और भगवा वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत किया, सम्मान किया। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन माता पिता से, उन नौजवान साथियों से जो ऐसे कार्य में साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं चल सकते, लेकिन जो राष्ट्र कार्य के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, देश की एकता और अखंडता, समाज में शुचिता और सामंजस्य बनी रहे, ऐसे जो भी कार्य करें नौजवान, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उसको तिलक लगाकर भगवा वस्त्र पहनाकर सम्मान तो कर सकते हैं। इसके नाते उनका सम्मान का कार्यक्रम था और हमने उनका सम्मान किया। किसी सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट में स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा अंबेडकर नगर यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें